चाह रहे हैं। आज की तारीख में मेरा दावा है कि कोई डायरिया किसी उपलास में नगर निगम सीमा क्षेत्र में नहीं है। अगर आज की तारीख में अगर डायरिया होता है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में होता क्या है। तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी डायरिया पीड़ित बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर में हॉस्पिटल में नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 52 के जो पार्षद है वो लगातार ये कह रहे हैं कि डायरिया फैली हुई है वहाँ पे, और उसके लिए वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को वहाँ पर तैनात भी किया। इतना उतालापन क्यों वहाँ के जनप्रतिनिधि को और वहाँ की जनता को? अभी जुआ जुआ 4 दिन नहीं हुआ है नगर निगम सीमा के अंदर जुड़े हुए, पहले से पहले ग्राम पंचायत था, उसके ग्राम पंचायत के समय भी नहीं हुआ था। होता था क्या होता है ये, जब सीजन बदलता है, समय बदलता है, जब गर्मी बढ़ती है तो खान पान की वजह से, खाने पीने की वजह से कुछ लोगों को होता है। चूंकि मैं 25-25 साल से 30 साल से सबसे ब्लास्ट में सबसे बड़ा स्लम एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जब गर्मी जैसी पड़ती, टेम्परेचर बढ़ता है, जब खान पान जब नया फैलाता है, खान पान की वजह से भी होता है और पानी की वजह से भी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नगर निगम उसमें दोषी है। नगर निगम